आप 18 से 21 कर दें, 22 कर दें, इससे हम लोगों को इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, हम लोग कोई आपत्ति नहीं। हम लोग यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो लड़कों से जल्दी मैच्योर भी हो जाती है। नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं, मैं हूँ प्रीति। दरअसल नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी किया है। तेजस्वी यादव ने भी नरेंद्र मोदी के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट से यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा अब बढ़ा करके 18 साल से अब 21 साल कर देनी चाहिए। इस पर तेजस्वी यादव ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और बयान दिया है। पहले आपको तेजस्वी यादव के बयानों को सुनवाते हैं। और हम लोग यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो लड़कों से जल्दी मैच्योर भी हो जाती है, जो एक साइंटिफिक भी कहिए या हर एक तरीके से, लेकिन आप 18 से 21 कर दे, 22 कर दे, इससे हम लोगों को इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। और आजकल तो सब लोग शादी ब्याह भी तो लेट ही कर रहे हैं। आप देखिएगा कहाँ कोई अब 18 साल में या 17 साल में, हाँ जहाँ जागरूकता की कमी है वहाँ थोड़े बहुत ये सब हो जाता है, लेकिन गांव देहात में भी ये प्रचलन रहा है कि पहले अगर 14 साल में उम्र में शादी भी हो जाता था तो 5 साल गौना होता था, जब वो अडल्ट हो जाती थी तब जो है घर उसको लेकर के जाता था। तो अगर 18 से अगर 21 भी हुआ है तो उसमें कोई आपत्ति किसी को। तो आपने सुना तेजस्वी यादव के पूरे बयानों को। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर तो इस बात पर सहमति नहीं जताई है कि ये एक अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन उन्होंने अपनी बातों से ये जाहिर कर दिया है कि ये प्रस्ताव लड़कियों के लिए बेहद ही अच्छा प्रस्ताव है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे समाज में लड़कियाँ जो है वो लड़कों से ज़्यादा मैच्योर हो जाती है और आज के जो युवा है वो ऐसे भी लेट ही शादी कर रहे हैं, 21 साल के बाद ही शादी करते हैं, तो ये ऐसे में ये प्रस्ताव का उन्होंने स्वागत किया है। दरअसल आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव की घोषणा 2020 में ही की थी। अब इस साल इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और पारित भी किया गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा को बढ़ा करके अब 21 साल कर देनी चाहिए। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि लड़कों की शादी की उम्र सीमा पहले से ही 21 साल है, अब ऐसे में लड़कियों की शादी की उम्र सीमा 18 साल से अब हटा करके 21 साल कर दी जाएगी। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट की तरफ से ये फैसला लिया गया है। फैसला क्यों लिया गया है? क्योंकि स्वास्थ्य कारणों के कारण, कुपोषण के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है, जिसका नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहीं ना कहीं अपने चुप्पी भरे अंदाज में समर्थन करते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि उनके इस बयान के बाद, जहां वो नरेंद्र मोदी के इस प्रस्ताव का स्वागत कर रहे हैं, उनके इस प्रस्ताव के स्वागत करने के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां कितनी बढ़ती है। अब बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।